हाय गाइस, मैं संगीता। वेलकम टू किचन कुंफू। आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न पनीर मसाला। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ी सी घी गरम कर ली है। हमारी घी गरम हो चुकी है, हम पनीर को इसमें फ्राई करेंगे। पनीर को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, एक या दो मिनट फ्राई करेंगे। पनीर दो मिनट फ्राई हो चुकी है, इसमें हम कॉर्न ऐड करेंगे, बॉयल कॉर्न। अब हमारी कॉर्न बिल्कुल अच्छे से पक गई है, ये बिल्कुल घी में फूल गई है। इसमें मैंने थोड़ी सी सोया बड़ी ऐड की है, इसको उबाल के निचोड़ ली है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये भी इसमें फ्राई कर लेंगे। मैंने इसको दो मिनट कवर किया था ताकि ये मॉइस्चर ही रहे, सूखे ना। ये अगर सूख जाएगा तो इसे मसाला अच्छी नहीं बनेगी। ये हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फिर से हम एक चम्मच घी डालेंगे पैन में। मैंने इसमें दो लौंग, एक टुकड़ी दालचीनी ऐड कर ली है। इसमें कटी हुई ग्रीन चिली, इसमें हम फाइन चॉप्ड अनियन डालेंगे। अनियन हमारी फ्राई हो चुकी है, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसमें अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया का पाउडर, कसूरी मेथी, सारे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। इसमें हम ये सारे हमारी फ्राइड कॉर्न, पनीर, सोया सारे डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। देखिए 5 मिनट बाद ये हमारी कितनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। सारे मसाले ये बढ़िया बन चुके हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन हैं, ये खाने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।